और इस बारे में कुछ तथ्य जो अब सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। 2:30 बजे रात को या सुबह 24 सितंबर की सुबह या 23 की रात को 2:30 बजे ये बताया जा रहा है कि सीवीसी केवी चौधरी साहब ज्वाइंट डायरेक्टर जिनका नाम है लोक रंजन डीओपीटी के, वो दोनों सीबीआई कार्यालय जाते हैं और उसके बाद तीन लोग वहां से बाहर आते हैं। एक है एम नागेश्वर राव, एक है सीवीसी और तीसरे हैं लोक रंजन एडिशनल सेक्रेटरी, माफ कीजिए, डीओपीटी, और वो फाइल और रिकॉर्ड रातों रात बाहर लेकर आते हैं। और सुबह 7 बजे उन 12 अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं उनका तबादला हो जाता है और रात को 2:30 बजे आलोक वर्मा को उनके आदेश सर्व किए जाते हैं रात को उनके घर पे। दोस्तों सवाल बड़े सीधे, ये तथ्य एक ऐसे षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं जो इस देश के संविधान और कानून को पांव तले रोनता है और सब संस्थाओं को की अस्तित्व स्वायत्तता को पूरी तरह से धूमिल और नष्ट करता है। सवाल बड़े सीधे हैं, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, ट्रांसफर और रिमूवल सेक्शन 4A और 4B दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक कमेटी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सीजेआई और एलओपी हैं, उनके द्वारा की जा सकती है। सेक्शन 8 जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का, उसमें केवल और केवल सीवीसी को इतना ही अख्तियार है कि वो ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं उनकी वो सुपरिंटेंडेंस कर सकते हैं। यानी भ्रष्टाचार का कोई मामला अगर संज्ञान में है सीबीआई के तो वो उसके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा कि आप सीबीआई के डायरेक्टर को अपने पद से पदमुक्त कर सकते हैं या उसके अधिकारों और शक्तियों को छीन सकते हैं, इसमें एक शब्द भी कहीं नहीं। ये कानून है इस देश का, जो ऑर्डर पास करते हैं कि सीवीसी, उसमें वो पूरी तरह से इस कानून का दुरुपयोग कर और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की जान पूछकर अवहेलना करते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। क्या कारण था कि सीवीसी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर, देश के कानून और संविधान की अवहेलना कर, रातों रात आनन फानन में अपना विदेशी दौरा कैंसिल कर, रात के 12:30 तक कार्यालय में बैठकर सीबीआई डायरेक्टर को हटाने का गैर कानूनी आदेश पारित कर रहे थे? चौथा सवाल, एम नागेश्वर राव को 11 बजे ही सीबीआई हेडक्वार्टर जाने के लिए किसने कहा था? एम नागेश्वर राव को यह कैसे मालूम था कि 12:30 बजे सीबीसी एक आदेश जारी करेगा जिससे आलोक वर्मा हटा दिए जाएंगे? एम नागेश्वर राव को यह कैसे मालूम था कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स 1:30 बजे उसकी नियुक्ति करने वाले हैं? एम नागेश्वर राव सीबीआई कार्यालय गए हैं किसके आदेश से थे? इसका जवाब तो मांगना ही पड़ेगा। पांचवी बात, 5 बजे भारत सरकार के कार्यालय और नॉर्थ ब्लॉक तो हाई सिक्योरिटी जोन है, वो तो बंद हो जाता है, तो देश के सेक्रेटरी पर्सोनेल जिनका नाम है सी चंद्रमौली, उनको किसने कहा था कि वो 1 बजे रात तक नॉर्थ ब्लॉक के कार्यालय में बैठे रहें?
क्या इसका मतलब उन्हें किसी ने बताया था कि सीवीसी रात को बैठक करेगा, उस बैठक में सीबीआई डायरेक्टर को हटाने का आदेश आएगा, वो आदेश लेके आपको प्रधानमंत्री कार्यालय जाना है? ये षड्यंत्र कौन कर रहा था? क्या ये पहले से ही एक फिक्स्ड मैच था? और प्रधानमंत्री कार्यालय को किसने बताया कि सीवीसी रात को बैठक करेगा, वो आदेश 12:30 बजे रात को आएगा, वो आदेश 1 बजे सी चंद्रमौली सेक्रेटरी पर्सनल के पास जाएगा, सेक्रेटरी पर्सनल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएंगे, फिर रात के 2 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स बुलाई जाएगी, फिर उसके बाद पुराने डायरेक्टर को हटाकर एक ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी? ये कौन कर रहा था? केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हैं। परमात्मा की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, हालांकि वो समझते अपने आप को वही हैं। और अगला सवाल, दिल्ली पुलिस को सीबीआई के हेडक्वार्टर को टेक ओवर करने का आदेश किसने दिया, जबकि सीबीआई का हेडक्वार्टर तो केंद्रीय एजेंसियां कंट्रोल करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। सीआईएसएफ के प्रमुख हो या दिल्ली पुलिस के प्रमुख हो, उनको यह आदेश कहां से आ रहा था कि जाकर आप सीबीआई के हेडक्वार्टर पर कब्जा? यह पहली बार होगी। सीबीआई तो दिल्ली पुलिस की जांच करती, हमने सुनी है सीबीआई दिल्ली पुलिस सीबीआई को टेक ओवर कर रही है, यह शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। आठवां सवाल, क्या रातों रात आनन फानन में, रात के अंधेरे में चोरों की तरह सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के कार्यालय से, सीबीआई हेड ऑफिस से कोई कागज उठाए गए? वो कौन से कागज थे? उनमें ऐसा क्या छुपा था कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार सकपाहट में थी, घबराहट में थी, बौखलाई थी कि उन्हें रातों रात आनन फानन में कब्जा करो, नहीं तो सुबह होते तक प्रलय मच जाएगी। और आखिरी सवाल, इस सारे सोचे समझे रात के अंधेरे में किए गए षड्यंत्र के लिए कौन जिम्मेवार है? सुप्रीम कोर्ट के तो सम्मानित न्यायाधीशों ने अंतरिम आदेश में सीवीसी में नो कॉन्फिडेंस जारी कर ही दिया, क्योंकि अगर सीवीसी निष्पक्ष होता तो वो जांच पूरी करता, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को लगाने की आवश्यकता ही क्या थी? इन सवालों का जवाब केवल एक व्यक्ति को देना पड़ेगा, और वो हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। प्रेस स्टार्ट।